जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अयोध्या की टॉप 5 टूरिस्ट प्लेस दिखाएंगे और आप कैसे आ सकते हैं अयोध्या, उसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अयोध्या बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। भारत के सभी शहरों से अयोध्या कैंट के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाती है, या आप सीधे अयोध्या स्टेशन के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं। आप अयोध्या बाई प्लेन भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको लखनऊ तक बाई प्लेन आना होगा, उसके बाद आप हाईवे से अपनी कार से या कैब करके भी आ सकते हैं। लखनऊ से अयोध्या की दूरी लगभग 125 किलोमीटर है। लखनऊ से अयोध्या आप 2.5 से 3 घंटे में आसानी से पहुंच जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, अयोध्या में एयरपोर्ट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में आप अयोध्या बाई प्लेन डायरेक्ट आ सकेंगे। कनक भवन कैकेयी माता ने माता सीता को मुंह दिखाई पर उपहार में दिया था। कनक भवन अयोध्या में सबसे सुंदर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। कनक भवन आते समय ध्यान देने वाली बात, कनक भवन दशरथ भवन के बिल्कुल नज़दीक है। कनक भवन आते समय आप ध्यान दें, सुबह से दोपहर 12 बजे तक आप यहां आ सकते हैं, उसके बाद यहां का गेट बंद हो जाता है, जो दोपहर 2 बजे से फिर खुलता है और आप शाम तक आसानी से यहां पर दर्शन कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या, यहां की ऐसी मानता है प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी महाराज का दर्शन करना अनिवार्य है। माना जाता है प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज, जो कि हनुमानगढ़ी के राजा माने जाते हैं, उन्हें यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के संकट और कष्टों को दूर करने के लिए विराजमान होने की अनुमति दी है। जैसा कि आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा ही होगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब आप अयोध्या आएंगे, अयोध्या में प्रभु श्री राम की गूंज इसी तरीके से आपको चारों तरफ सुनाई देगी। दशरथ महल अयोध्या, हनुमानगढ़ी से जब आप राम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे तो आपको रास्ते में ही दशरथ महल के दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही आप दशरथ महल के अंदर प्रवेश करेंगे, कुछ इस तरीके से नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दशरथ महल अंदर से काफ़ी सुंदर दिखता है। आप हनुमानगढ़ी राम मंदिर के दर्शन के बाद दशरथ महल के दर्शन जरूर करें। आई मेक श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पर किसी भी टूरिस्ट गाइड को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम मंदिर के ठीक बगल में अमावा राम मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं, जिसे मानस भवन कहा जाता है। यहाँ से राम मंदिर बिल्कुल बगल में है। आप जो ये क्रेन देख रहे हैं ऊपर, ये क्रेन राम मंदिर में जो कार्य चल रहा है, वो कार्य के लिए यहाँ पर क्रेन लगाई गई है। सरयू घाट अयोध्या, सरयू घाट सरयू नदी के किनारे पर है। सरयू घाट आने के बाद मन को इतनी शांति प्रदान करता है। सरयू घाट पर हर शाम सरयू आरती की जाती है। आप शाम के समय यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। जय श्री राम। अब आपको लेकर चलते हैं राम की पैड़ी की तरफ। राम की पैड़ी वह स्थान है जहाँ पर हर दीपावली पर कई लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है।
और अगले साल उससे ज्यादा दिए जलाकर उस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा जाता है। राम की पैड़ी सरयू घाट के बिल्कुल नजदीक है और राम की पैड़ी के बगल में आप लता मंगेशकर चौक का भी आनंद ले सकते हैं। हनुमानगढ़ी, राम मंदिर, दशरथ महल, कनक भवन के दर्शन के बाद आप राम की पैड़ी आकर यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। चलिए आपको अब लेकर चलते हैं लता मंगेशकर चौक, जो कि राम की पैड़ी के बिल्कुल बगल में है। आज की वीडियो में आपको लता मंगेशकर चौक 360 के एंगल से दिखाएंगे। लता मंगेशकर चौक बहुत ही सुंदर प्लेस है, यहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। लता मंगेशकर चौक सरयू घाट और राम की पैड़ी के बिल्कुल बीच में है। जब भी आप यहाँ दर्शन करने आए तो आप लता मंगेशकर चौक का लुत्फ जरूर उठाएं। आगे की वीडियो में आपको राम मंदिर जो कि बन रहा है, राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरह की और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी।